दौसा में भगवान देवनारायण मंदिर परिसर में गुर्जर समाज की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समाज के पदाधिकारियों ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने व बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया। बैठक का शुभारंभ अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष कन्हैयालाल छावड़ी कालोता ने भगवान देवनारायण की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर दिया। प्रदेश उपाध्यक्ष ने समाज की बालिका शिक्षा पर बल देते हुए बालिका को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। साथ ही समाज के अन्य वक्ताओं ने भी समाज को प्रगति पर बढ़ाने के लिए अपना उद्बोधन दिया। बैठक के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष कन्हैयालाल छावड़ी कानोता का जन्मदिन मंदिर परिसर में दर्जनों पौधे लगाकर व केक काटकर मनाया गया। वह पूर्व अध्यक्ष सामूहिक विवाह समिति जयपुर राजस्थान, वह प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय गुर्जर महासभा। आज मेरा जन्मदिन था तो मेरे समाज के लोग, वह छात्रावास निर्माण कमेटी के अध्यक्ष, वह समिति के सारे सदस्यों ने निवेदन किया कि आप एक बहुत ही कर्मठ समाज सेवी है कि पुलिस में रहते हुए आपने एक समाज की बहुत सेवा की है और सामूहिक विवाह सम्मेलन किए हैं। इस पर आज हम दौसा छात्रावास देवनारायण मंदिर में आपका जन्मदिन मनाएंगे। इस उनके आग्रह पर मैं छात्रावास दौसा पर पहुंचा, जहां पर वहां जो कमेटी निवार कमेटी के अध्यक्ष करोड़मल जी, कोषाध्यक्ष हेमराज जी डोई, वह महामंत्री हनुमान जी एडवोकेट, वह समाज के प्रवृत्त लोग, वह छात्रावास के छात्रों द्वारा मेरा बहुत स्वागत किया गया और बच्चों को सही प्रेरणा देने के लिए सही पढ़ाई और अपने एक शिष्टाचार से रहने के गुर भी मेरे द्वारा सिखाए गए।